राजस्थान के अलवर में सोमवार को 70 साल के दंपति को पूरे 54 साल के बाद पहली संतान नसीब हुई। राजस्थान में ये पहला मामला देखने को मिला जहां इस उम्र के इस पड़ाव में आके उन्हें संतान की किलकारियां सुनाई दी। आपको बता दें कि पति की उम्र 75 साल है, वहीं पत्नी की उम्र 70 साल है। प्रदेश में कोरोना की चौथी लहर का जहां खतरा बना हुआ है, वहीं तेज गर्मी में स्वाइन फ्लू ने भी पैर पसार लिया है। 15 दिन में 40 से ज्यादा स्वाइन फ्लू के मामले आ चुके हैं। इन दिनों एक बार डेंगू और स्वाइन फ्लू के वायरल फैलने का खतरा मंडराने लगा है। लगातार सामने आ रहे स्वाइन फ्लू के मरीजों ने तो चिकित्सा विभाग की चिंताएं बढ़ा दी है। पिछले 45 दिनों में करीब 4 दर्जन स्वाइन फ्लू के मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें 35 मरीज तो अकेले जयपुर में पाए गए हैं। कोरोना और स्वाइन फ्लू की गंभीर स्थिति में सीधा फेफड़ों पर असर होता है, इसलिए इसके लिए इम्यूनिटी पावर जरूरी है। डॉक्टर्स का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को गले में खराश, खांसी, बुखार, नाक बहना, मांसपेशियों में दर्द, सरदर्द, उल्टी और दस्त के लक्षण दिखे तो कोरोना के साथ ही स्वाइन फ्लू की भी जांच करवाएं। संक्रमित व्यक्ति से बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को दूर रहने की डॉक्टर सलाह देते हैं। जयपुर के अलावा अलवर, दौसा, झुंझुनू, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर सहित 10 जिलों में 45 दिनों में 47 मरीज स्वाइन फ्लू के पाए गए हैं। जहां 2021 में 20 मरीज पाए गए, वहीं स्वाइन फ्लू वायरस के सक्रिय होने से चिंता बढ़ गई है। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साथ ही चिकित्सा विभाग मुख्यालय ने सभी संक्रमित मरीजों का डेटा एकत्रित कर सभी CMHO को मुख्यालय भेजने के निर्देश जारी किए हैं।